बारहवीं क्लास में पढ़ने वाली सीधी साधी एक लड़की अचानक चौंक पड़ी। खबर ही कुछ ऐसी थी। उसकी बड़ी बहन ने बताया कि उसके लिए एक फिल्म का ऑफर आया है। स्कूल का डांस और थिएटर अलग बात थी, पर फिल्म? घर वाले, रिश्तेदार, कोई नहीं मानेगा। पर कुछ अजीब हुआ कि सब मान गए। लड़की ने फिल्म की, फिल्म फ्लॉप हो गई। पर उसके अंदर कुछ बदल गया था। सपनों का एक छोटा सा पौधा खिल गया था और ये लड़की बनी हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित। कॉलेज के दौरान भी माधुरी छोटे मोटे रोल्स करती रही, पर सभी फिल्में फ्लॉप हुईं। लेकिन इन नाकामियों के बावजूद उनका हौसला और बुलंद होता गया। कश्मीर में फिल्म आवारा बाप की शूटिंग के दौरान किसी ने माधुरी को मशहूर शोमैन सुभाष घाई से मिला दिया, जो पास ही शूट कर रहे थे। हीरे को जैसे जौहरी मिल गया। सुभाष जी ने माधुरी को कर्मा में एक डांस नंबर ऑफर किया। गाने को फिल्म में तो जगह नहीं मिली, पर माधुरी को सुभाष घाई की अगली फिल्म राम लखन में लीड रोल मिल गया था। एक शोमैन के अंदाज में ही सुभाष घाई ने माधुरी का लॉन्च प्लान किया। पर माधुरी का लॉन्च शायद सबसे बड़े शोमैन ने ऊपर बैठकर अपने हाथों से प्लान किया था। एन चंद्रा की तेजाब पहले रिलीज हुई और 1 2 3 करते हुए मोहिनी जैसे सीधे स्वर्ग से स्क्रीन पर उतर आई। उसके बाद के 2 सालों में माधुरी दीक्षित की 18 फिल्में रिलीज हुई। माधुरी हर चाहने वाले का सपना बन गई। बाकी हीरोइन से माधुरी इतनी आगे निकल गई कि उन्हें लेडी अमिताभ बच्चन तक कहा जाने लगा। लोग सिर्फ उन्हें देखने थिएटर तक आने लगे। माधुरी का हर डांस नंबर हिंदी सिनेमा की डांसिंग क्वीन के तौर पर उनकी जगह पक्की करता चला गया और हर किरदार उनकी सधी हुई मैच्योर्ड एक्टिंग की मिसाल बन गया। माधुरी आज भी उतनी ही खूबसूरत है। वक्त जैसे उन्हें छू भी नहीं पाया, पर गुजरे वक्त के साथ माधुरी ने करोड़ों दिलों को छुआ है। आज भी हर लड़की कहती है, मुझे माधुरी दीक्षित बनना है, और हर लड़का उनके लिए कहता है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।